एक सवाल किया जाता है मरहूमिन की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी इजाज़त है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्बानी मरहूम की तरफ से करने के लिए वसीयत होना ज़रूरी है, बगैर वसीयत के नहीं कर सकते। तो जिन्होंने वसीयत की है उनकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, और अगर जिसने वसीयत नहीं की लेकिन अपने माँ बाप की तरफ से अगर वो कुर्बानी करना चाहता है तो ज़रूर जानवर ज़बह करें, वो ईसाले सवाब हो जाएगा, कुर्बानी नहीं, तो लिहाजा ईसाले सवाब भी किया जा सकता है। और भी बहुत सारे मसाइल इससे मुतालिक होते हैं। अच्छा, कुर्बानी में एक बात को भी जहन में रखना चाहिए, आमतौर से हिस्सा दिया जाता है, तो ज़रूर हिस्सा दिया जा सकता है, लेकिन उसकी तहकीक करने की ज़रूरत है। आप जहाँ हिस्सा दे रहे हैं वहाँ पर सही मानों में कुर्बानी हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखना चाहिए, वरना इश्तहारात बहुत सारे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है, लेकिन सही जगहों पर अपनी कुर्बानी हो जाए इसकी तहकीक करना ज़रूरी है। सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, तो अभी जैसे मसला बताया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत तो फरमाई थी लेकिन सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई, तो आम लोगों को वसीयत नहीं है, इसलिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हुज़ूर की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जानवर ज़बह करके ईसाले सवाब ज़रूर किया जा सकता है। सवाल यह है कि अगर आदमी के ऊपर कर्ज़ा है तो वो कुर्बानी करे या नहीं करे। देखिए, जो बात मैंने बताई कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक चांदी का निसाब हो, या इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक चार दिन से ज़ायद का खर्च हो, तो ये असल में याद है, कर्ज़ हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि आप देखेंगे बहुत सारे मालदार मिलेंगे जिनके ऊपर लाखों का कर्ज होता है, तो लिहाजा कुर्बानी और कर्ज का भी कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसके पास आज की तारीख में गुंजाइश है तो उसको कुर्बानी करना है, कर्ज से उसका कोई ताल्लुक नहीं।